हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार में अब 6 दिन का जो समय है वो बचा है। 3 तारीख शाम 5 बजे जो है प्रचार, उसके बाद बंद हो जाएगा। और ऐसे में जो उम्मीदवार मैदान में हैं वो अपनी ताकत जो है वो झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें बादशाहपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बीर सिंह उस बीरू सरपंच की, तो किस तरीके से चुनावी जो प्रचार है वो उनका चल रहा है और किस तरीके से जनता का जो समर्थन है वो बीर सिंह को मिलता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं। अब मात्र 6 दिन जो है वो चुनावी प्रचार में बचे हैं और किस तरीके से चुनावी प्रचार जो है वो आपका चल रहा है और समर्थन किस तरीके से लोगों का। देखो, चुनावी प्रचार तो 6 दिन बचे हैं, लेकिन हमारा तो पिछले 2 साल से चल रहा है। 2 साल से लोगों के अंदर हर जगह मीटिंग करनी, प्रोटेस्ट करने, लोगों के अंदर जाके बातचीत करनी, जो लोगों की समस्याएं थे उनको सुनना, उनके लिए आगे ज्ञापन देना, सरकार के साथ लड़ाई करना उसके लिए। तो हमारा तो कंटिन्यू आज पिछले 2 साल से चल रहा है। 6 दिन तो उनके लिए है जो कभी घर से बाहर निकले नहीं, वे उनके लिए 6 दिन, हमारा तो चलता ही रहता, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। लगातार जिस तरीके से कई बार इससे पहले चुनाव के माहौल से पहले भी आप कई मुद्दे जो हैं वो अपनी जनता के लिए उठाते हुए नज़र आते हैं, जब बात करें हाउस टैक्स की या अन्य जो मुद्दे हैं वो आप उठाते हुए नज़र आते हैं, तो क्या मानते हैं आप, किन मुद्दों को लेकर अब आप मैदान में? देखो, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। हॉस्पिटल का मुद्दा है, स्कूल का मुद्दा है, हॉस्पिटल तोड़ के पार्किंग बनाने का काम कर रखा है सरकार ने। जल भराव का मुद्दा है, एक बार इसमें समुद्र की तरह सब कुछ गाड़ियां भी तैरनी शुरू हो जाती जैसे समुद्र में तैरती हैं। और डेवलपमेंट चार्ज का है, जो कॉलोनियों के अंदर 150 रुपये से बढ़ा के 2000 रुपये के तक जो डेवलपमेंट चार्ज गुड़गांव में पहुंचे हैं, वो भी मुद्दा है। हाउस टैक्स जो गाँव के अंदर जो केजरीवाल जी ने सरकार ने जो दिल्ली के अंदर ख़त्म कर दिया, वो भी मुद्दा है कि हाउस टैक्स गाँव के अंदर नहीं लगना चाहिए। और जो कूड़े की बहुत भारी समस्या, जहाँ देखोगे कूड़े के बहुत सारे ढेर पड़े, जहाँ छोटे छोटे ढेर 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 ढेर, कूड़ा उठाने के लिए कोई कूड़े के नाम पर निरा भ्रष्टाचार है, वो भी मुद्दा है। दूसरा, जो फैमिली आईडी जो बना रखी है, फैमिली आईडी के अंदर इन्होंने बच्चे की, छोटे बच्चे की भी इनकम दिखा दी, बुजुर्ग की भी इनकम दिखा दी, और उससे बढ़ा के उसका राशन कार्ड कट गया, उसका कार्ड मिलना बंद, वो राशन मिलना बंद हो गया, उसको आयुष्मान का लाभ मिलना बंद हो गया और बुढ़ापा पेंशन कट गई। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में हम जाते भी रहे हैं यार, लोगों ने बताई है जो समस्याएं उनको हमने उठाया भी। बीरू जी, बात करें हरियाणा में सबसे बड़ी जो विधानसभा है वो बादशाहपुर है, और किस तरीके से देखते हैं आप, अगर जनता ने आपको मौका दिया तो पहली कलम जो है वो बादशाहपुर के लोगों के लिए क्या कुछ वीर सिंह के लिए, वीर सिंह की कलम जो है वो चलेगी, ताकि इस चीज़ से लोगों को जो है छुटकारा मिल सके या समाधान हो सके उसका? देखो, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा तो जो लोगों की पहली दिक्कत तो ये है कि भाई आपको इलाज सही मिलना चाहिए, और इलाज आज का जो हिसाब किताब देखते हैं तो मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, गरीबी के अंदर इलाज नहीं मिल पा रहा क्योंकि सरकार ने हॉस्पिटल बनाए नहीं है, और हॉस्पिटल ना बनाने की वजह से हर आदमी जो बीमार होता है तो वो ये सोचता है मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। सरकारी में जाता है तो उसका इलाज नहीं मिल पाता, वो तो बेचारा घूमता रहता है, और प्राइवेट के उसके पास पैसे नहीं है। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। और डेवलपमेंट चार्ज की जो सरकार ने जो ठगने का काम किया है, डेवलपमेंट चार्ज 150 से बढ़ा के ना जो 2000-2500 रुपये गज तक एक एक कॉलोनी का पहुंच गया है, एक एक गज के हिसाब से, तो वो भी एक ठगी है, वो भी काम बनता है, हाउस टैक्स भी बनता है, और कूड़े का तो सबसे पहला तो कूड़े का ही बनता है, जब तक सफाई नहीं होगी तो महामारी फैल जाएगी। तो सबसे पहले तो कूड़े का काम है, उसके बाद में सफाई का है, वो क्या नाम, सीवर जो सिस्टम खराब कर दिया सरकार ने, क्योंकि पार्षद के चुनाव भी नहीं करवा रहे। अगर पार्षद के चुनाव हो तो कम से कम एक पार्षद की जिम्मेवारी तो इस बात की होती कि भाई वो कूड़े के लिए बोल सकता था एनसीजी में, वो सीवर की सफाई करने के लिए बोल सकता था। तो ये बहुत सारी मुद्दे हैं जिनकी लड़ाई लड़ेंगे। बीरू जी, किस तरीके से मुकाबला देखते हैं, क्योंकि बीजेपी से एक वरिष्ठ नेता मैदान में हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, युवा चेहरा है कांग्रेस से वो मैदान में हैं, इधर से आम आदमी पार्टी से आप हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में हैं, तो किस तरीके से आप मुकाबला जो है वो आप देखते हैं? अपने देखो, मुकाबला तो त्रिकोण तो बने गए, 3 कोण में तो आ ही रहे हैं, लेकिन 3 कोण में सबसे आगे हमारा नंबर है, क्योंकि जो इनकी आपस की जो वोटें हैं, जो कांग्रेस कांग्रेस को हरा रही है, बीजेपी बीजेपी को हरा रही है, तो उनकी लड़ाई में जितनी भी जो वोटें हैं वे सारी हमारी तरफ आ रही हैं,
और जो हम इतने दिन से जो जनता के साथ लगे हुए हैं वे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उस वजह से भी हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है। लोगों को ये लगता है भले वीरू की भीड़ तो वैसे आती है, लेकिन समय आएगा जब हम बताएंगे वीरू की भीड़ नहीं थी, वीरू की वोट थी सारी की सारी। वीरू का प्यार था, इनका जनता का प्यार था, उनका विश्वास था, इसलिए वो मेरे विश्वास मेरे प्यार में आते हैं। और अब केजरीवाल जी आएंगे 29 तारीख को, तो 29 तारीख को दिखा देंगे भाई हमारे साथ कितना समर्थन है। उस दिन आप डिसाइड कर लेना, सब रैली करेंगे। मेरे ख्याल से कोई ऐसा पार्टी बच नहीं रही जो रैली नहीं करती हो, जिसके लोग नहीं आएंगे। उसमें हम दिखा देंगे हमारे दो आदमी हमारे फालतू से, फिर बता देना भाई हमारे साथ समर्थन है और चुनाव हमें जीत रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो उनके जो स्टार प्रचारक हैं वो जो अब जनसभा रैली जो है वो कर रहे हैं, कांग्रेस के स्टार जो प्रचारक हैं वो रैली और जनसभा करते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो बादशाहपुर से जो उनके उम्मीदवार हैं उनके लिए जो है जनसभा उन्होंने संबोधित करी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे। और ऐसे में उन्होंने एक बात मन से कही थी कि भाई वोट अपना जो है वो खराब मत करियो, इस बार कांग्रेस की लहर है और इधर उधर वोट देके जो है वो खराब मत करियो कि दूसरी किसी को वोट दे दे। तो क्या मानते? हर आदमी का अपना अपना वोट मांगने का तरीका है, वो सब हर आदमी चाहता मुझे वोट मिल जाए, लेकिन जनता इस चीज़ को नहीं मानती ना। जनता मानती है उस बात को अगर हमारी समस्याएं कौन उठाता है, हमारे बीच में कौन रहता है। इस चुनाव के मौसम में जो तो वह बात है, जब बारिश होगी तो मिंटक बाहर निकल के टर टर करना शुरू कर दें, उससे नहीं है। और आपने देखा होगा जो वहाँ पे जो सभा थी उसमें कुर्सियाँ तो सारी खाली रह गई थी, वहाँ के जो लोकल लोग थे वो तो कुछ थे, वो तो सारे उनके साथ जो भीड़ आई थी उसी से उनका वो समर्थन हुआ था कि भाई यहाँ कुछ आ गया ना, तो खाली रह गई थी कुर्सी तो पूरा दिखाई देगा आपको। अब उनकी तो एक मुख्यमंत्री आया था, लेकिन भारत एक राज्यसभा सांसद है जो दिल्ली में है, हरियाणा में उनकी है भी नहीं, इनकी तो पॉपुलरिटी बहुत है। तो उसको उसको देख ले आप, कंपेयर कर लेना हम आगे हुए आगे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं आप कांग्रेस से युवा चेहरा मैदान में है और इधर से आप हैं, तो कहीं ना कहीं मुकाबला मानते हैं आप अपना किसी से? मैं बता रहा मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, ये सच्चाई है। ये मैं बता दूं 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा, 5 तारीख जब वोट पड़ेंगे, 8 को जब ढोल खुलेंगे जब पता चल जाएगा। मेरा मुकाबला है किसी से नहीं है, मेरा एक तरफा चुनाव है। ये समझते नहीं उस बात को, जनता नहीं समझती, बहुत सारे लोग नहीं समझते इस बात को। मैंने बता दिया मेरे चुनाव में जब मैं वोट मांगने के लिए जाता हूँ मेरे साथ 3 गाड़ियाँ होती हैं, मैं 20-20, 25-25, 30-30, 50-50 गाड़ी लेकर नहीं चलता, क्योंकि अपनी भीड़ को जाके ना अगर मुझे भाषण देना है तो फिर मैं अपने कमरे में बैठ के दे लूँगा, मेरे अपने आदमी हैं तो फिर मैं उनको ऑफिस में भी दे लूँगा। तो इसलिए मेरे जितने भी जो लोग हैं, जो भी मेरे आज तक प्रोग्राम हुए हैं, वे सारे के सारे वहीं के लोग होते हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी लंबे अरसे से जुड़ा हुआ हूँ। उसी से मुझे पता चलता है कि हाँ भाई इस गांव में मुझे कितना समर्थन मिल रहा है, कितनी मेरी वोटें हैं और लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? देखो बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल ने तो इस गुड़गावा का हरियाणा का सारे का भट्ठा बैठा दिया है, गति खराब कर दिया है। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे ले आए, भ्रष्टाचार में हरियाणा नंबर 1 पे कर दिया, और उसके बाद गुड़गावा तो मेरे ख्याल से इतना इतना भारी भ्रष्टाचार इतना तो पूरे देश में ही नहीं होगा। तो इस तरह के जो काम है तो सरकार तो बेकार है। बीजू जी एक रिकॉर्ड जो है वो आपने बनाया था, अभी पीछे रक्षाबंधन का त्यौहार था तो काफ़ी तादाद में जो महिलाओं ने आपके हाथ पर जो है वो राखी बांधी थी, और अब जिस तरीके से आप चुनावी मैदान में हैं तो किस तरीके से उन महिलाओं का प्यार आपको जो है वो मिलता हुआ नजर? देखो रक्षाबंधन का त्यौहार मैंने पिछले साल भी किया था, पिछले साल मैंने 2000 बहनों से राखी बंधवाई थी। मेरा ये नहीं है कोई चुनाव के लिए मैंने रक्षाबंधन किया, वैसे प्यार है तो भाई बहन का। और अब की बार जो जो मेरा रक्षाबंधन में 20,000 बहनें आई थी, आज मैं जिस भी सभा के अंदर जाता हूँ उस सभा के अंदर सारी जो बहनें जो मुझे राखी बांध के गई थी वो अपने भाई के प्यार में आगे बैठती हैं और वे बोलती हैं भाई अब की बार तुम्हारा भाई जीतेगा, हम इसके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की। वो बोलते हैं हमारा परिवार है, जो हमारे मिलने वाले हैं जितने भी हैं हम सब से बोल लेंगे अगर की बार हमारे भाई की वोट देनी है और पक्का जीतेंगे। बात करें जिस तरीके से दिल्ली की या पंजाब की, वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ के जो स्कूल और कॉलेज की बात करें जिस तरीके से देखा गया है, चाहे सरकारी स्कूल की ही बात करें, काफ़ी हाई फाई जो है वो दिखाई देते हैं। तो बात करें गुड़गांव में या अन्य इलाकों में, बात करें जिलों में, क्या इस तरीके का कुछ नज़र आता है इस भाजपा कार्यकाल में?
देखो गुड़गांव के अंदर या हरियाणा के अंदर देखोगे, स्कूल तोड़ने का तो काम सरकार ने खूब करा है। अब मैं दिखा दूं, बजगेड़ा स्कूल टूटा पड़ा है, उसका मेरे ख्याल से 2 साल हो गए उसने टूटे हुए हैं। बुढ़ेड़ा मैं देखा था मैंने, वो भी स्कूल टूटा पड़ा, बहुत सारे स्कूल टूटे पड़े हैं। ये स्कूल तोड़ने की सरकार है, हॉस्पिटल तोड़ने की है सरकार है, ये बनाने की नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सीएम बनने के बाद जो बर्बाद कर दिए थे सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने जो बर्बाद कर दिए थे उनको, स्कूलों को, उनको सुधारने का काम किया। और उसमें इतनी फैसिलिटी दी, इतनी फैसिलिटी दी, अब लोग प्राइवेट छोड़ के ना सरकारी के अंदर एडमिशन लेना शुरू कर दिया, जो कि देश में हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता है कि उसको शिक्षा पूर्ण रूप से अच्छी शिक्षा मिले और मुफ्त में शिक्षा मिले। क्यों? शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, व्यवसायीकरण, क्योंकि अगर उस शिक्षा का व्यवसायीकरण हो जाएगा तो फिर तो देश में पैसे वाले की शिक्षा रही, गरीब आदमी तो शिक्षा ले ही नहीं, है ना। तो वो केजरीवाल जी का जो कदम था बहुत अच्छा था। दूसरा, उन्हें स्वास्थ्य के लिए जो कदम उठाया, अब दिल्ली के अंदर ये भी कर रखा है, आपको 24 घंटे में अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी के अंदर आपका एडमिशन नहीं होता तो आप प्राइवेट में भी जाकर अपना इलाज कराना शुरू कर सकते, उसके लिए सरकार पूरा का पूरा खर्चा देगी। और मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसके अंदर सारे टेस्ट फ्री किए, दवाई फ्री किए, डॉक्टर की फीस फ्री थी। ये बहुत सारी योजनाएं जो दिल्ली में जो बहनें जो बैठ के जाती हैं बस के अंदर, उनकी सब की वो फ्री कर रखी है, टिकट फ्री है, किसी को 1 रुपये भी किराया नहीं देना पड़ता। तीर्थ यात्रा है, बिजली है जो 200 यूनिट तक दिल्ली में फ्री है, लोगों ने तो क्या कर रखे हैं, मंजिल वाइज अपने अपने वे लगवा रखे हैं, क्या नाम, मीटर। तो एक घर में अगर 8 मंजिल 4 मंजिल हैं तो 200 यूनिट का 800 यूनिट फ्री होगी। तो बहुत सारे काम जो दिल्ली में जो जनता का जो टैक्स दिया हुआ था, जो सरकार ने जो जनता को टैक्स दिया था, वो वापिस लौटाने का काम सिर्फ केजरीवाल ने किया है। और वो ईमानदार है, ईमानदारी से किया जाता है। बेईमान आदमी ने आज तक जितनी भी सरकारें बनी सब बेईमान थी, किसी ने जनता का पैसा जनता को लौटाने का काम नहीं किया। बादशाहपुर विधानसभा की बात करें तो कुछ जो इलाके हैं वो दिल्ली से लगते हैं, तो ऐसे में अभी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो नई बनी है, तो क्या मानते हैं आप, कितना असर जो है वो हरियाणा में भी इसका देखने को मिलेगा? देखो दिल्ली की जितनी योजनाएं हैं वे सारी की सारी, जितने उनके रिश्तेदार हैं वे खुद भी वहां रहते थे, वहां से बहुत सारे लोग आए हैं, उन्होंने उसका लाभ लिया है। जो दिल्ली में जो लाभ लेकर आए, जिन्होंने केजरीवाल की सरकार को देखा है, वे आज भी केजरीवाल की सरकार को चाहते हैं। वे अपने रिश्तेदार से बात करते हैं तो जो वे बताते हैं कि हमारा बिल तो 0 आता है, तो ये भी अपने आप में कहते हैं यार यहाँ भी केजरीवाल की सरकार बन जाए, कम से कम बिजली का बिल तो ना बढ़ना, 5-7 हज़ार रुपये तक हरियाणा के अंदर एक नॉर्मल से परिवार को भरना पड़ता है, तो 5-7 हज़ार का तो सीधा सीधा बेनिफिट है, तो चाहते हैं लोग। और बयाती सी जो बनी है अपनी मुख्यमंत्री दिल्ली की, वो आदि आबादी है और महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डलेगा। भाई आम आदमी पार्टी जो है महिलाओं को सम्मान करती है, उनको मुख्यमंत्री बनाए। 29 तारीख को केजरीवाल जो है वो आ रहे हैं, जनसभा जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे, तो किस तरीके से देखते हैं आप और क्या कुछ पूरा शेड्यूल जो है वो एक बार बताएं। देखो जो केजरीवाल जी आएंगे, सुबह 12 बजे का टाइम उनका पहुँचने का, नहीं शायद 11 बजे का, 11 बजे उनका पहुंचने का टाइम है। और 11 बजे केजरीवाल जी पहुंचेंगे, वहाँ अपना सेक्टर 9 के ग्राउंड में कॉलेज के सामने है, और वहाँ काफ़ी भारी संख्या में भीड़ होगी, बहुत सारे लोग होंगे जो केजरीवाल जी को प्यार करते हैं, जो हमारे समर्थक हैं, सारे के सारे वहाँ पहुंचेंगे। और उस दिन हम दिखा देंगे कि भाई हरियाणा में सबसे बड़ी विधानसभा हमारी है, तो लोग भी सबसे ज़्यादा हमारे ही हैं। फिर भी एक आखिरी सवाल, एक तो हाई सोसाइटी जो है उनके क्या संदेश जो है आप देना चाहेंगे, क्योंकि 5 तारीख को जब वोटिंग होती है कहीं ना कहीं हाई सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनकी वोटिंग जो परसेंटेज है वो कम रहती है, और दूसरा बादशाहपुर की जनता के लिए क्या संदेश? देखो हाई सोसाइटी के जो लोग हैं वो बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अब 2006 के अंदर जब मास्टर प्लान आया, जो 7 में जो लागू हुआ था, जो 7 में मास्टर प्लान आया, उस टाइम जितनी भी सोसाइटियाँ, जितने भी बिल्डरों ने जो लाइसेंस लिए हैं उसके अंदर EDC IDC जमा कराई है। जब सरकार ने लोगों की EDC IDC जमा कराने के बाद भी उनको कोई रोड की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, सीवर की सुविधा नहीं है, कुछ भी सुविधा उनको दी नहीं है, जबकि वे लोग तो अपने आप में ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हमारे पैसे भी सरकार ने ले लिए।
और ऊपर से हमें कुछ मिल भी नहीं रहा है। मतलब हमें वो फैसिलिटी जो चाहिए थी, जो आपने मास्टर प्लान के अंदर बड़े सब्ज बाग दिखाए थे, बड़े सुंदर सुंदर दिखाए थे, वो ज़मीन के ऊपर कुछ उतरा नहीं है। उसके लिए बहुत लोग नाराज हैं। दूसरा, आप देखोगे किसी भी सोसाइटी के अंदर दो चार्ज मिलते हैं। एक तो सोसाइटी के लोग चाहते हैं भाई हमें सिक्योरिटी मिले, तो उसके लिए उन्होंने मेंटेनेंस लगा रखा है। लेकिन ये सारा का शेयर एरिया जो है, जितनी भी सोसाइटी हैं, सब नगर निगम के क्षेत्र में आई हैं, और नगर निगम के क्षेत्र में आने के बाद हर किसी के ऊपर हाउस टैक्स लगा दिया, जो फुटों के हिसाब से, गजों के हिसाब से होता है। तो उसके ऊपर दो मार डाल दी सरकार ने, दो बार टैक्स लेना शुरू कर दिया भाई। एक तो सरकार उसको टैक्स ले रही, उसका कोई बेनिफिट नहीं दे रही उसको, जो मेंटेनेंस के रूप में जो उगाई हो रही है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस के रूप में जो उगाई हो रही थी, तो उस पैसे से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे उसके पार्क हैं, उन पार्कों की लिए माली सरकार ने लगाने, नगर निगम ने लगाने चाहिए। स्ट्रीट लाइट का नगर निगम का बनता है, उसके रोड का नगर निगम का बनता है, उसके सीवरेज सिस्टम का नगर निगम बनता है, उसकी सफाई का नगर निगम का बनता है। तो ये जितने भी फैसिलिटी हैं वे सरकार ने नहीं दे रखी, खाली मेंटेनेंस, उसका क्या नाम है, हाउस टैक्स लेने लेने का काम करती हैं। और जो वहाँ के सोसाइटी के जो लोग हैं, वो मेंटेनेंस जो उनके पास आता है उसी से ये सारे काम कराते हैं, जिससे कि लोगों की जो जेब के ऊपर है डबल डबल खर्च होने की वजह से उनको नुकसान हो रहा है। इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उसको नहीं देंगे। और जो मेंटेनेंस, अगर हम यहाँ से विधानसभा से चुन के हम जाएंगे, जब यहाँ से जब लोग हमें वोट दे गए, हमें विधानसभा 5 तारीख में वोट डाल के ने, और विधानसभा जब भेजेंगे 8 तारीख को, रिजल्ट आएगा जब, तो सोसाइटियों का जो मेंटेनेंस का जो पैसा है ये आधा करवाएंगे, क्योंकि नगर निगम को भी जब टैक्स जा रहा है तो उससे जितनी भी ये पार्किंग है, जो सोसाइटी का जो क्या नाम है, पार्क है, स्ट्रीट लाइट है, उसके बाद ये अपने उसका सीवरेज सिस्टम है, सफाई सिस्टम है, ये सब नगर निगम से कराएंगे, जिससे कि लोगों की जो जेब के ऊपर डाका डालने का काम जो सरकार ने कर रखे हैं उसको खत्म कराएंगे। बादशाहपुर की जनता के लिए क्या संदेश बीरू सरपंच का? बादशाहपुर की जनता के लिए संदेश यही है, भाई 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबा के ने, और एक ईमानदार सरकार बनाए, एक ईमानदार पार्टी को हरियाणा के अंदर ले, जिससे कि देश का और जनता का भला हो। देखिए, ये थे मेरे साथ वीर सिंह सरपंच, आम आदमी पार्टी के बादशाहपुर से उम्मीदवार हैं, और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार जो जनता है वो आम आदमी पार्टी के